नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान जी की, जिनकी ताकत और भक्ति की कहानियां सुनकर सब खुश हो जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहली कहानी, हनुमान जी को मिली अजर अमर होने की शक्ति। रामायण युद्ध के बाद राम जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि वो हमेशा जिंदा रहेंगे और हर युग में अपने भक्तों की सुरक्षा करेंगे। इसलिए आज भी हम हनुमान जी को बुलाते हैं और वो हमारी हिफाजत करते हैं। अब सुनो हनुमान जी और सूरज देव की कहानी। बचपन में हनुमान जी ने सूरज को एक लाल फल समझकर निगल लिया। अरे, पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। देवताओं ने समझा बुझाकर सूरज देव को छुड़वाया। इस कहानी से पता चलता है हनुमान जी कितने ताकतवर और बहादुर हैं। तीसरी कहानी, संजीवनी बूटी की। जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए तो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने का बीड़ा उठाया। वो तो पूरा पहाड़ ही उठा लाए ताकि वक्त बर्बाद ना हो। उनकी भक्ति और वफादारी से हम सब सीख सकते हैं। अब चौथी कहानी, सीता माता को ढूंढने की। रावण ने जब सीता माता को चुरा लिया तो हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया। अपनी अक्ल और हिम्मत से उन्होंने राम भक्तों को सही रास्ता दिखाया। हनुमान जी की कहानियां हमें ये बताती हैं कि सच्ची भक्ति, हिम्मत और वफादारी से हम किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं। धर्म और भक्ति के रास्ते पर हनुमान जी हमारे लिए मिसाल हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री राम। मिलते हैं अगली बार एक और मजेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।